गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पाठ्यक्रम मूल्यांकन के स्रोत, यानी कि उसके कौन कौन से सोर्स हैं। मैंने पहले आपको पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया बताई थी। जब हमने पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में हमने देखा था कि उसके पाठ्यक्रम निर्माण में हमें कौन कौन से बिंदुओं का समावेश होता है, यानी कि जो हम प्रक्रिया नियोजित करते हैं, स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, उसमें हमारे किन किन बिंदुओं का समावेश था। तो हमने देखा था कि पाठ्यक्रम निर्माण में हमने सबसे पहले हम उसमें उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उद्देश्य निर्धारित करने के बाद में हम जो उद्देश्य होता है उसके अंदर से हम कोई एक विषय वस्तु का चयन करते हैं। विषय वस्तु के चयन के बाद में हम उसे क्रमबद्धित करते हैं कि उसे किस स्टेप से हमें शुरू करना है, और उसके बाद में हम उसके लिए जो जो हमारे मेथड होते हैं, विधियां होती हैं, हमें कौन सी विधि उसमें प्रयोग करनी है उसका चयन करते हैं। और साथ में हम संसाधनों के बारे में भी जानते हैं कि उन विधियों में हमें किन किन संसाधनों की आवश्यकता होती है। और लास्ट में हमने देखा कि हम मूल्यांकन करते हैं, और इसके लास्ट का पॉइंट था कि मूल्यांकन के बाद में हम उसे पुनः नियोजित करते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम जो कार्य करते हैं उसके अंदर हमारी कमी रह जाती है, तो जब वो कमी हमारे सामने मूल्यांकन के बाद में जब वो कमी हमारे सामने आती है तो हमें उसे पुनः नियोजित करने की आवश्यकता होती है। तो हम उसमें कुछ संभावित परिवर्तन करके और उसे पुनः नियोजित करते हैं, और वो पुनः नियोजन किया जो रिजल्ट आता है वो हमें किसके माध्यम से आता है, हमारे मूल्यांकन के माध्यम से। तो आज की जो वीडियो है मैं उसी से आपको एक जोड़ना चाह रही हूँ कि हमारी जो निर्माण की प्रक्रिया, जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसके अंदर मूल्यांकन का इतना महत्व है। तो अब उसी के अंदर कि मूल्यांकन में हमें कौन कौन से स्रोतों का समावेश होना चाहिए जिससे कि जो शिक्षक करे या हम जो मूल्यांकन करे वो एक प्रभावी मूल्यांकन बने और हमारे मूल्यांकन करने में कोई गलती या कोई त्रुटि ना हो पाए। क्योंकि उस मूल्यांकन पर हमारा पूरा निष्कर्ष होता है, या हम कहें जो हम समीक्षा करते हैं वो हम मूल्यांकन के आधार पर, क्योंकि मूल्यांकन हमारा परिणाम होता है। अगर उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो हम परिवर्तन भी, क्या करना है हमें परिवर्तन में, तो वो भी हमें इसके माध्यम से पता चलता है। तो आज का वीडियो इसीलिए मैंने ये बनाई है आपके लिए कि मूल्यांकन, आखिर मूल्यांकन के लिए हमें कौन कौन से स्रोतों की आवश्यकता होनी चाहिए कि अगर हम किसी का मूल्यांकन करें तो हमारा मूल्यांकन एक प्रभावी मूल्यांकन बन सके और उसमें त्रुटियों की जो संभावना रहे वो कम रहे। तो आज का टॉपिक है हमारा पाठ्यक्रम मूल्यांकन के स्रोत। तो सबसे पहला हमारा है पाठ्यक्रम निर्माण। जो हम करते हैं पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करते हैं उसमें सबसे अहम भूमिका होती है शिक्षक की। जो शिक्षक होते हैं वो ही हमारा पाठ्यक्रम बनाते हैं, पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। क्योंकि हमें पता है जो पाठ्यक्रम बनाते हैं वो शिक्षक ही होते हैं, वो अपने विषय विशेषज्ञ होते हैं, तभी वो अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। तो पाठ्यक्रम के लिए कहते हैं कि जब पाठ्यक्रम बनता है तो उस पाठ्यक्रम में हम पाठ्यक्रम से हम पाठ्यचर्या भी बनाते हैं, और इसके अंदर शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों होती है कि जब हम पाठ्यचर्या का मूल्यांकन विद्यालय के शिक्षक के द्वारा भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शिक्षक होते हैं वो इस दृष्टि से पाठ्यक्रम का भाग है, हमें कक्षा में पाठ्यचर्या को पढ़ाने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, शिक्षक करते हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यचर्या बनी है और उसको जो प्रेजेंट करने वाले हैं, जो हमारे लिए कहते ना कि हम शिक्षार्थी के लिए जो अपना ज्ञान लेके आते हैं वो कौन लेके आते हैं, शिक्षक। यानी कि उनका संचालन जो पाठ्यक्रम बना है और पाठ्यक्रम से हमने जो पाठ्यचर्या बनी है तो उसका जो संचालन किया है वो संचालन किसके माध्यम से होता है, शिक्षक के माध्यम से। तो जो संचालित कर रहा है उसकी तो अहम भूमिका होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक मूल्यांकन संचालित करने वाला श्रम ना करे तो उसका मूल्यांकन प्रभावी नहीं होता। इसीलिए कहें कि कक्षा में जो पढ़ाने का कार्य
मूल्यांकन के सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में होते हैं, यानी कि उनका एक सबसे अहम रोल होता है इसके अंदर। फिर शिक्षकों का हम कहें कि वर्तमान के विषय जो हम पढ़ा रहे हैं उस विषय का ज्ञान भी किसे होता है? शिक्षक को। हमने क्या देखा है, जब हमारा सिलेबस तैयार होता है तो उसे पढ़ाते कौन है? शिक्षक। और पाठ्यक्रम बनाया किसने? आज के शिक्षक ने। तो आज शिक्षक जब पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो आज का उन्हें जो आज के विषय की आवश्यकता है उसका उन्हें ज्ञान होता है कि कौन से विषय आज शिक्षार्थी को उसकी आवश्यकता है। इसीलिए वो आज के विषय में जो आज के विषय की आवश्यकता होती है और उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिन्हें विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान है और जिनके पास विषय पाठ्यचर्या की पृष्ठभूमि की सूचना है, ऐसे शिक्षक भी पाठ्यचर्या मूल्यांकन में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होने, क्या हमारे आज के विषय की क्या हमारी क्या आवश्यकता है, किस आवश्यकता के द्वारा हमें कौन सी योग्यता काम आती है या किसके द्वारा हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, ये कौन करते हैं? हमारे शिक्षक। हम ये कहें कि बेशक शिक्षक क्या करते हैं, हमारी पाठ्यचर्या की समीक्षा के लिए अपेक्षित कुशलता प्राप्त होते हैं वो, इसीलिए उसकी समीक्षा करने में वो क्या होते हैं, एक तरीके से कहते ना, जब तक समीक्षा करने वाला स्वयं उस चीज की जानकारी ना रखे तो क्या हमारी वो समीक्षा प्रभावी होगी, या हम कहें कि वो समीक्षा हम सही कर सकते हैं? जब तक हमें उस चीज का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी चीज की समीक्षा नहीं कर सकते। अगर हमें समीक्षा करनी है, कुछ कमी निकालनी है या उसमें कुछ उसका मूल्यांकन करना है, तो जब तक उस चीज का हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि पाठ्यचर्या के उद्देश्य में से एक उद्देश्य है आपकी इस योजना को कि जो विकास करने में सहायक होना चाहिए वो है हमारे शिक्षक, कि हमें किस तरीके का पाठ्यचर्या में परिवर्तन चाहिए, पाठ्यक्रम में परिवर्तन चाहिए, तो ये एक योग्य और अनुभवी शिक्षक ही कर सकते हैं। इसीलिए अगर हमें हमारे पाठ्यक्रम का विकास करना है तो हमें जहाँ शिक्षक को एक साधन और एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इसे हमारी एक भागीदारी अनिवार्य होती है, या हम कहें कि हमें उनसे पूछकर या जानकर ही हमें पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना चाहिए। अब हम कहें शिक्षक हैं तो शिक्षक के बाद में जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, जो पाठ्यक्रम का जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो कौन होते हैं? देने वाले हो गए शिक्षक और ग्रहण करने वाले हो गए हमारे शिक्षार्थी अर्थात हमारे स्टूडेंट। यानी कि जब अधिगमकर्ता क्या करते हैं, बच्चों को अधिगम करवाते हैं, और मूल्यांकन में जितनी अहम भूमिका शिक्षक की है उतनी ही अहम भूमिका शिक्षार्थी की है। हम देखते हैं जो शिक्षक हमारे उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो उनकी पूर्ति के लिए कौन आवश्यक होते हैं? शिक्षार्थी। क्योंकि ये चीज मानना होता है कि जो उद्देश्य लेकर शिक्षक गए हैं क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं, इस चीज का पता हमें कहाँ से चलता है? हमारे शिक्षार्थियों के माध्यम से। कहते हैं विशेष पाठ्यचर्या के शिक्षार्थी के इस कारण हमें क्या करता है, प्रमुख एवं अधिक आवश्यक सूचनाओं के प्रमुख स्रोत होते हैं ये, यानी कि हम जो ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं। हमने देखा है कि पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन होता है उसमें शिक्षार्थी की भी अहम भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि जब देने वाले ज्ञान हमारे शिक्षक हैं तो ग्रहण करने वाले हमारे शिक्षार्थी हैं। पाठ्यक्रम की उपयोगिता शिक्षार्थी निर्धारित करते हैं, क्योंकि अगर उनका वो जो पाठ्यक्रम में हम परिवर्तन कर रहे हैं अगर उसकी उपयोगिता है तो शिक्षार्थी उसे ग्रहण करेंगे। यानी पाठ्यक्रम का हमने देखा था कि जो विकसित का है उसमें उपयोगिता सर्वोपरि है, और उपयोगिता को हम किसकी उपयोगिता देखते हैं? शिक्षार्थी की, यानी जिसे हम ज्ञान दे रहे हैं। जब तक ज्ञान ग्रहण करने वाला उसकी उपयोगिता को नहीं समझेगा तो वो ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा। अभी हम कहें कि जो हमारे अभी जो पाठ्यचर्या है किस प्रकार प्रासंगिक और किस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है, ये एक
शिक्षक जो करते हैं कि हमें किस तरीके से विशेष पाठ्यक्रम उन्हें संचालित करना है, एक विशेष पाठ्यचर्या में अध्ययनरत जो शिक्षार्थी हैं उनके पाठ्यचर्या के जो मूल्यांकन है, तो जो पाठ्यचर्या संबंधी विस्तृत यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो सूचनाएं एकत्रित करते हैं हम कहें तो वो सूचनाओं को दो भागों में विभाजन करते हैं। दो भागों में कैसे, पहले हो गया हमारा इसे हम प्रथम भाग में कर दें और सेकंड हम इसे द्वितीय में कर दें, यानी कि दो भागों में हम इन सूचनाओं का विभाजन कर सकते हैं, प्रथम व द्वितीय। प्रथम के लिए हम कहें कि शिक्षार्थी जो अपने अब इस उद्देश्य लेकर चलते हैं, क्या उन उद्देश्यों का वो पालन कर रहे हैं, या हम कहें कि शिक्षार्थियों को उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है, उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं, यानी कि प्रथम में हम यही देखेंगे शिक्षार्थी इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे या शिक्षक के द्वारा जो उद्देश्य है उनका, उन उद्देश्यों को वो लेकर जो शिक्षक चल रहे हैं, क्या जो विशिष्ट निर्देश उन्हें दिए गए हैं उन निर्देशों का बच्चे पालन कर रहे हैं, या हम कहें कि जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों की पूर्ति बच्चों को हो पा रही है या नहीं, इसे हम ये कहें कि प्रथम में हमारे लिए है। तो द्वितीय में हमारे लिए क्या होगा कि शिक्षार्थी ये मालूम करें कि जो उद्देश्य उन्होंने प्राप्त किए हैं वो उद्देश्य कहां तक प्राप्त किए और क्या उनका उपयोग रहा, क्या उनका महत्व रहा। यहाँ तो सिर्फ हम पता करते हैं कि हम जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, शिक्षक ने जो उद्देश्य बनाया है क्या उन उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं शिक्षार्थी, और उसके बाद में क्योंकि हमने देखा था कि जो हम शिक्षक होते हैं वो जो अपने उद्देश्य बनाते हैं उसकी पूर्ति उनकी कहाँ तक संभव है, ये बच्चों से वो प्रीवियस जो उनका पूर्व ज्ञान होता है उसके आधार पर वो पता करते हैं कि जो वो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं उन उद्देश्यों को वो कहाँ तक, उद्देश्य मीन्स जो उनका विषय का ज्ञान है, जो उनका टॉपिक है, जो उनका प्रकरण है, जो ज्ञान वो देना चाहते हैं कि वो ज्ञान क्या बच्चों को जो ज्ञान देना चाह रहे हैं वो ज्ञान उनके लिए लाभदायक है, या फिर उस ज्ञान को बच्चे कहाँ तक आगे ले जा सकते हैं। फिर सेकंड है इसमें कि उद्देश्य की कहाँ तक प्राप्ति हुई, कि कहते ना कि हमारी परसेंट निकालनी होती है कि बच्चों को जो ज्ञान शिक्षक देना चाह रहे हैं क्या वो 100% बच्चों ने ग्रहण किया, 50% किया या 40, यानी कि कहां तक उन्होंने उसे एक सार्थक बनाया, यानी कि जो उद्देश्य वो लेकर चले उन उद्देश्यों की सार्थकता कहां तक है। अब हमें कहें कि जो हमारी सूचनाएं होती है वो सामान्यतः क्या होती है, हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया में एकत्रित की जाती है और एकत्रित कर हम जो शिक्षार्थी हैं उनके अनुभवों पर वो आधारित होती है, जो कि हम पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं कि बच्चों को जो नॉलेज हम देना चाह रहे हैं उस नॉलेज में बच्चों को कहाँ तक प्रीवियस नॉलेज है ये हम उसमें बताते हैं, क्योंकि जो हम मूल्यवान जो सामग्री एकत्रित कर रहे हैं शिक्षार्थियों के लिए वो हमें उन्हें उत्तीर्ण करने के लिए होता है, अर्थात हमें आगे बढ़ाने के लिए होता है कि जो हम उद्देश्य बच्चों को देना चाह रहे हैं उस उद्देश्यों की पूर्ति शिक्षक चाहते हैं कि बच्चों के लिए हम जो विषय ज्ञान लेकर जाते हैं वो विषय ज्ञान की पूर्ति होनी चाहिए। अब इसमें हमने दो साधन पढ़े, प्रथम हमारा शिक्षक और थर्ड थे हमारे शिक्षार्थी, और तीसरा आता है हमारा समुदाय जिसे हम समाज भी कह सकते हैं, समुदाय या समाज, समुदाय या समाज। हमने देखा कि शिक्षा जो मैं शायद प्रत्येक वीडियो में बताती आई हूँ कि हमारा जो विद्यालय होता है वो हमारे समाज की एक लघु इकाई होती है, यानी कि समाज के अंदर जो चीजें व्यापक स्तर पर होती हैं उसी चीज का हम ज्ञान, ये हमारे लिए एक हमारी छोटी इकाई है। तो पाठ्यचर्या मूल्यांकन के लिए हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं जो हमारे स्थानीय समुदाय स्थानीय हमारे समाज से जुड़ी होती है, यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं उस समाज से हमारी आवश्यकताएं जुड़ी रहती हैं, कि हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, या हम कहें कि समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं
या समाज में रहते हुए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। इन चीजों की जो आवश्यकता है, एक शिक्षा हमारा ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम इनकी पूर्ति करते हैं। और जो हमारे समाज में जो व्याप्त बुराइयां होती हैं, हम उन्हें दूर करने के लिए भी कहते हैं कि एक समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उन्हें दूर करने के लिए भी हमारी शिक्षा एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। उसके द्वारा हम जो कमियां होती हैं उन्हें दूर करते हैं। इसीलिए पाठ्यचर्य जो हमारा पाठ्यक्रम के मूल्यांकन हेतु स्थानीय समुदाय में एक विशिष्ट पाठ्यक्रम का एक शिक्षित व्यक्ति क्या करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं या जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, या जानकारी जो वो प्रदान कर रहे हैं तो वो एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है कि हमें किस तरह से हमारी समाज की आवश्यकताएं पूरी करनी है। स्थानीय हमारे जो समुदाय है उन समुदाय संबंधी हमारी जरूरतें, पाठ्यचर्या को किस तरह हमें प्रासंगिक बनाना है, किस तरीके से हमें आवश्यकता आधारित बनाना है, किस कौन सी चीज हमारे लिए अनुपयोगी है और कौन सी चीज हमारे लिए उपयोगी है, ये हमारे समाज और समुदाय बताती है हमें। समुदाय की जो आवश्यकताएं तथा अपेक्षाओं के आधार पर हम क्या करते हैं, जो संशोधित हमारा पाठ्यक्रम है सामाजिकरत और जिम्मेदार जो नागरिक है हमारे विकसित कर समुदाय के उद्देश्यों को अधिकतम हमारी उसकी प्राप्ति कर सके। यानी कि हम ऐसा पाठ्यक्रम बनाते हैं, ऐसा विकसित पाठ्यक्रम बनाते हैं जो कि हमारे समुदाय के द्वारा जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें हमारी पूरी कर सके। तो चौथा पॉइंट है हमारा इसके लिए विशेषज्ञ। फोर्थ है हमारा विशेषज्ञ। अब यहाँ हम पहले विशेषज्ञ, हम यहाँ विषय विशेषज्ञ। यानी कि जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो हम जानते हैं कि जो हम पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे वो हम विशेष रूप से अनुशासन की दृष्टि से यह आवश्यक हो कि इस क्षेत्र के लिए जो हम अन्य विषय विशेषज्ञों के विचारों पर हम जो विश्वास करते हैं वो विश्वास हम किस पे करते हैं, विषय विशेषज्ञ पर। यानी कि हमें वो प्रमाणित होता है कि हम जो ज्ञान लेने जा रहे हैं विषय विशेषज्ञ यानी कि उस चीज का ज्ञाता विशेषज्ञ जिसने उसमें पारंगता हासिल की हुई है कि हमें जो ज्ञान देंगे वो हमारा ज्ञान कभी भी हमारे लिए अनुपयोगी ना होगा और ना ही वो ज्ञान कहे कि अधूरा ज्ञान होगा। यानी कि अगर हमें पूर्ण ज्ञान की जानकारी लेनी है तो हम उसके लिए विषय विशेषज्ञ चुनते हैं। और ये विषय विशेषज्ञ ही हमारे पाठ्यक्रम बनाने के एक स्रोत होते हैं, क्योंकि अगर वो ना हो तो जो पाठ्यक्रम का स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं उस स्ट्रक्चर में हमारे कमी रह जाती है। तो उस कमी, वो कमी ना रहे, वो त्रुटि ना हो हमारे अंदर, हमारे पाठ्यक्रम में कोई त्रुटि की संभावना ना हो, इसीलिए हम विषय विशेषज्ञों का चयन करते हैं। और विषय विशेषज्ञ हमारे लिए पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। यानी कि वर्तमान में हम कहें कि अन्य विषय विशेषज्ञों के भरोसे हम उनको एक संगत रूप देते हैं, एक विश्वसनीय मानकर हम इस चीज पर विचार करते हैं कि जो विषय विशेषज्ञ है अन्य वर्ग जैसे क्षेत्र में कार्यरत जो हमारे स्वनियोजित विद्वान होते हैं, जो खुद के द्वारा बनाते हैं, स्वनियोजित व्यक्ति भी हो सकते हैं जो विद्वान होते हैं, क्योंकि विशेषज्ञ क्षेत्रीय परिस्थितियों के संबंध में जो मुख्य सूचनाएं देंगे वो पाठ्यचर्या मूल्यांकन की दृष्टि से मूल्यांकन को क्या करेंगे, हमारे जो मूल्यांकन है उसको साबित करेंगे कि हम जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो मूल्यांकन सही कर रहे हैं। यानी हमने जाना था कि ज्ञान क्या है, हमारी प्रमाणिकता। तो जिस पाठ्यक्रम के बारे में हम ज्ञान लेना चाह रहे हैं तो उस पाठ्यक्रम का मूल्यांकन उसे साबित कौन करेगा, उसे साबित करने के लिए हमें विषय विशेषज्ञ चाहिए। फिर है हमारा तकनीकी विशेषज्ञ। तकनीकी विशेषज्ञ यानी कि हम जब विषय का ज्ञाता से हम ज्ञान लेते हैं तो उस ज्ञान में हमें तकनीकी की भी आवश्यकता पड़ती है। हम किस तकनीकी के माध्यम से वो ज्ञान लेना चाहते हैं उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम पाठ्यक्रम के स्रोत के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ये कहा जाता है कि पाठ्यचर्या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम को विकास हेतु शिक्षार्थी की दृष्टि से अति उपयोगी और आधुनिक तकनीकी के बारे में उसे बता सके, इसीलिए हम तकनीकी
का ज्ञान तकनीकी विशेषज्ञ के पास जाते हैं, या हम कहें कि उस पाठ्यक्रम में तकनीकी विशेषज्ञ का हिस्सा होता है, क्योंकि आज के टाइम पे जिन तकनीकी का हमें आवश्यकता होती है वो हमें इसके माध्यम से प्राप्त होती है। और वर्तमान में जो उद्देश्य पाठ्यचर्या के ये स्पष्ट और परिवर्तन करने में स्वतः ही लिख दिए जाते हैं कि हमें व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में हमें क्या क्या करना है, तो हम कहते हैं कि आज की जो तकनीकी ज्ञान है वो भी हमारी आवश्यकता है। यानी कि हम किसके द्वारा हम क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं ये हमारी आवश्यकता बन जाती है। तो ये बच्चों, ये थे हमारे मूल्यांकन के स्रोत। प्रथम था हमारे शिक्षक, और सेकंड थे हमारे शिक्षार्थी, थर्ड था हमारा समुदाय या समाज, फिर थे हमारे विषय विशेषज्ञ, और फोर्थ था हमारा तकनीकी विशेषज्ञ। तो बच्चों, ये मूल्यांकन भी जिस तरह से मैंने मूल्यांकन के बारे में आपको बताया, क्योंकि हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब हम समीक्षा करते हैं, तो हमें इन चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। धन्यवाद।